हेलो ट्रेडर्स, तो भाई लोग स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। हूँ हर्ष और आज का टॉपिक है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग अगर हमें करनी है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड आने वाला है। अगर डाउन ट्रेंड जाने वाला है तो हमें 1-2 दिन या 4 दिन के लिए हम उस पोजिशन को होल्ड करेंगे। वहां पर हम या तो पुट को बाई करेंगे या कॉल को सेल करेंगे, लेकिन डिलीवरी में, मतलब कि 1-2 दिन होल्ड करने के लिए। और वहीं पर अगर हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड में जाने वाला है, ठीक है, वो चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी हो सकती है, फिर निफ्टी हो सकती है, या फिर कोई भी स्टॉक हो सकता है। ये यहाँ पे जैसे अडानी इंट है या ECG है, ये स्टॉक मान के चलते हैं ये ऊपर की ओर जाने वाला। हमें पता चल जाए कि ये कल से ऊपर की ओर जाएगा तो वहां पर हम एक कॉल को बाई करके रखेंगे। जब तक वो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तब तक हम उसे होल्ड करेंगे। जब हमें दिखेगा कि वो अब यहाँ पे गिरने वाला है, कुछ कंडीशन हमें दिख जाएंगी, तो हम वहां से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का मैंने होम पेज ओपन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर एनालाइज में आना है। एनालाइज में आके ये प्राइस वाई परसेंटाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम वन क्लिक में सेलेक्ट कर लेंगे और प्राइस वाई परसेंटाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंबल वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैं इसको सिंबल वाइज कर दूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, और जब मैं इसे ऑल पर कर दूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। और कुछ भाई जो कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं, बस 30 सेकंड में समझाना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 75 से ज्यादा टूल्स मिलेंगे जिन्हें सभी प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं, और पहले ही पता लगता है उन्हें कि मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन है, कहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक बाई करने लायक है, कौन सा नहीं है, मतलब कि सैकड़ों स्टॉक्स हैं। इतने सारे टूल्स में से मैं आपको सिर्फ 2 टूल्स आज के दिन बताने वाला हूँ। एक तो प्राइस वाइज परसेंटाइल है, दूसरा ये सिंबल वाइज के बारे में। ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट में जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो कुछ टूल्स हैं, 25 टूल्स आपको फ्री में भी आपको यूज करने के लिए मिलेंगे। एंड आपको 1 घंटे के लिए ये फ्री में लाइव यूज करने के लिए भी मिलेगा। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये कैसी पोजीशन देता है आप। और आपको हफ्ते में 2-3 वेबिनार्स भी मिलते हैं जो आपको समझाते हैं कि कौन से टूल का कौन सा यूज है। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि आप लोग इससे सब्सक्राइब कर लेंगे, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लें तो भाई हम कैसे सीखेंगे, पता कैसे चलेगा कौन से टूल को कैसे यूज करना है। इनकी टीम आपको जैसे ही आप साइन अप करेंगे सिर्फ 10 मिनट में कॉन्टेक्ट करेगी और आपको सब कुछ समझाएगी। आप किसी भी टूल के बारे में समझिए, वो आपको डीपली समझाएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको रेगुलर वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि भाई हम इसे अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो भाई हम इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं 2 टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, प्राइस वाई परसेंटाइल और सिंबल वाइज के बारे में। तो अभी प्राइस वाई परसेंटाइल को यूज कैसे करना है वो चीज आप समझिए। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे अडानी इंट है, अडानी इंट है, देखिए यहाँ पे पूरा पूरा रेड है। यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है 3 और OI यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो ऐसे ही सब में अलग अलग है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे एलकेम है, एलकेम का प्राइस है 81 और ओपन इंटरेस्ट है 97। ठीक है, अब इनको यूज करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में, अगर जो भी आप देख रहे हैं, तो किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड अगर चल रहा है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है, आपको अगर कॉल को बाई करना है तो बस ये देखना है कि क्या प्राइस 90 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर 90 के ऊपर नहीं है मतलब कि हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं कर सकते हैं। प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर होना कंपलसरी है, साथ में आपका ओपन इंटरेस्ट भी 90 के ऊपर होना चाहिए। दोनों जब 90 के ऊपर होंगे वहां पर हम कॉल बाई करेंगे। ठीक है, लेकिन देखते ही कॉल बाई नहीं करना है, उसमें हमें सिंबल वाइज को भी यूज करना है। लेकिन मैं आपको वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए। मैं दूसरा उदाहरण और दे देता हूँ पुट वाला, अगर आपको मिलता है तो मैं यहाँ पे आपको एक सही सा उदाहरण ढूंढ के देता हूँ। ये इनमें से कोई भी स्टॉक अभी बाई करने लायक नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग भी समझ जाएंगे कि क्यों नहीं है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट ये रहा। ठीक है, डाबर देखिए, यहाँ पे डाबर का प्राइस है 10 और ओपन इंटरेस्ट है 96। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, प्राइस 20 के नीचे होता है, ठीक है, प्राइस 20 के नीचे होगा और ओपन इंटरेस्ट 90 के ऊपर, दोनों में होना कंपलसरी है, तो ऐसे माहौल में हम पुट को बाई करेंगे। ठीक है, जब प्राइस 20 के नीचे आ जाएगा, ओपन इंटरेस्ट 90 के ऊपर होगा, तो हम केवल केवल पुट को बाई करेंगे। और जब प्राइस 90 के ऊपर होगा और ओपन इंटरेस्ट भी 90 के ऊपर होगा, दोनों 90 के ऊपर होंगे, तो हम वहां पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? जिनको समझ में नहीं आया भाई, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके पीछे की साइड में ले जाकर देख लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको उदाहरण मैंने समझा दिया, तो इनमें से कोई भी स्टॉक बाई करने के लायक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 23 है, मतलब 20 के नीचे भी नहीं है। अगर ये 20 के नीचे भी होता तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हमारा 90 के ऊपर नहीं है। ठीक है, अडानी इंट में देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मतलब कि कुछ भी नहीं है हमारे पास में। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट पहले कंपलसरी है 90 के ऊपर। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे कि कौन सा नीचे है या ऊपर है। तो अभी मेरे पास में कोई उदाहरण मिल, तो अभी हमारे पास में देखिए यहाँ पे एबी कैपिटल है। ठीक है, एबी कैपिटल का ओपन इंटरेस्ट है 90 के ऊपर, क्लियर है, और प्राइस है हमारा 20 के नीचे। अब मैं यहाँ पर सिंबल वाइज पे चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें कब बाई करना था, कब हमें ये सिग्नल मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंबल वाइज पे आता हूँ और यहाँ पर हम डालते हैं एबी कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस परसेंटाइल है, ये यहाँ पे ओआई परसेंटाइल है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली साइड में ये प्राइस है, ये ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट और प्राइस यहाँ पर है, वही ओपन इंटरेस्ट और प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये 7 है, 7 है, 1 है, 6 है, 4 है। ठीक है, हमें पुट साइड में ट्रेड कब लेना था, जब ये 20 के नीचे आया और ओपन इंटरेस्ट 90 के ऊपर गया, तो हमें थोड़ा सा बैक साइड में जाना है। ठीक है, नीचे की साइड में आए
तो हमें यहाँ पर देखना है 20 अक्टूबर के दिन प्राइस क्या था, 37, ठीक है, 37 ओपन इंटरेस्ट था 95, ठीक है। उससे अगले दिन जब यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर 37 से एकदम से 20 के नीचे आया, 20 के नीचे क्या 1 पे ही आ गया डायरेक्ट, मतलब कि एक बड़ा डाउनफॉल, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जब 20 के नीचे आएगा हम फोटो बाई करेंगे और ये आ चुका है 1 पे, और ओपन इंटरेस्ट हमारा 90 के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, 95 से 98 हुआ, मतलब ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस गिरा है तो हमें क्या करना चाहिए, फोटो बाई करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट में, 20 अक्टूबर का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, 20 से 23 अक्टूबर के दिन कितनी डाउनफॉल, 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, इन साइड में देख सकते हैं 1 1 और 0, मतलब कि और ज्यादा गिरा है 26 अक्टूबर के दिन, और ज्यादा गिरा है, यहाँ पर देखिए 1 से 0 हुआ है, और ज्यादा गिरा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी गिरा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको मोमेंटम मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ AB कैपिटल, आदित्य बिरला, ये देखिए। तो मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ, और यहाँ पर चलते हैं हम 20 अक्टूबर को, ये है हमारा सर 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये यहाँ पे प्राइस हुआ, यहाँ पर देखिए 20 अक्टूबर के दिन क्या था, 37, ठीक है। उसके बाद 23 अक्टूबर को डाउनफॉल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम से 20 के नीचे आया है, और 23 अक्टूबर के बाद 24, 24 की छुट्टी है शायद, 25 तारीख और 26 तारीख। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को डाउनफॉल आया, ठीक है, एकदम से आया 23 तारीख को, जो 37, यहाँ पर 20 अक्टूबर को क्या था, 37 प्राइस, यहाँ पर देखिए एकदम से गिरा है। ये कौन सा दिन है, जब ये 37 से 1 पे आया, ठीक है, कितना बड़ा डाउनफॉल है, ये पूरा का पूरा डाउनफॉल यहाँ पे हमें मिल सकता है। 23 तारीख को गिरा, मैंने क्या बोला था, 25 को भी गिरा है, देखिए यहाँ पे 25 को थोड़ा सा गिरा है, उसके बाद 26 को भी यहाँ पे गिरा है थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे डाटा मैंने आपको पूरा दिखाया, 26 तारीख तक देख सकते हैं, ये 23 तारीख, ठीक है, 23 तारीख को 26 तारीख तक यहाँ तक मार्केट गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट को दोबारा दिखाता हूँ आपको, 26 के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पे 0 से प्राइस बढ़ा है थोड़ा ऊपर, फिर हमें ट्रेड कब करना है, जब ये दोबारा से गिरता हुआ दिखेगा, यहाँ पर क्या है 44, चार, यहाँ पर देखिए 4 4 पे 6, मतलब कि थोड़ा सा बढ़ रहा है, जब ये गिरेगा देखिए यहाँ पे 31 से 1 नवंबर, 6 से फिर से गिरा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा भाई कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे ना तो भाई आपको अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर के दिन यहाँ पे प्राइस था 6, ठीक है, 20 के नीचे चल रहा है, मतलब कि थोड़ा सा ट्रेंड डाउन तो है, लेकिन जब हमें गिरता हुआ दिखेगा तब ट्रेड करेंगे ना, मार्केट ठहरा हुआ है कुछ भी कर रहा है, लेकिन जब गिरता हुआ दिखेगा, हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, 4 है 4 है फिर 6 है, ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट 92 94 94, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बस हमें प्राइस के गिरने का इंतजार है, जो 1 नवंबर को गिरा है। तो मैं आपको चार्ट में दिखाऊं 1 नवंबर के दिन, यहाँ पर 27 28 29 30, और ये आ गया आपका 1 नवंबर, ठीक है, ये है आपका 1 नवंबर, 1 नवंबर को 173 से 70 तक 3 पॉइंट गिरा है, ठीक है, स्टॉक छोटा है लेकिन 3 पॉइंट अच्छा अच्छा प्रॉफिट है, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गिरा है एक दिन में। तो ये हमें पहले ही पता होता है सर कि मार्केट गिर, ये लाइव मार्केट में आपको बोलेगा कि अभी मार्केट गिर रहा है सर, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लॉस की नहीं है कि भाई हमारा लॉस कितना हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि कुछ भाई जिनके पास में पैसा कम है, कम पैसे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, भाई 2000 5000 1000 3000 से हम कैसे ट्रेड करें, किसी किसी के पास में तो 1000 1500 के ज़्यादा पैसा ही नहीं है, तो भाई इनसे हम इन द मनी या एट द मनी के ट्रेड्स को कैसे लें। तो जो भी भाई आस्था ट्रेड के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, आस्था ट्रेड एक अकेला ऐसा ब्रोकर है जो आपको 5 गुना मार्जिन दे रहा है। 5 गुने मार्जिन का मतलब है कि अगर आप किसी भी ब्रोकर में मान के चलते हैं 5000 रुपये में ट्रेड कर रहे हैं, और 5000 रुपये से जो लॉट आपको मिले हैं, मान के चलते हैं निफ्टी में आपने 2 लॉट बाई कर लिए 5000 रुपये में, और अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं क्योंकि आप इन द मनी में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जब आप आस्था ट्रेड यूज करेंगे ना, तो आस्था ट्रेड में इन दोनों लॉट्स को आप सिर्फ 1000 रुपये में बाई कर सकते हैं, मतलब कि 5 गुना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। जो ट्रेड आपको 5000 रुपये में कहीं पर मिलेगी, वही ट्रेड आपको 1000 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जब हम 5000 रुपये यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कई भाई पूछ रहे हैं कि भाई हम प्रीमियम पूरा यूज करें तो क्या होगा, तो 1000 रुपये में हमारे 2 लॉट यहाँ पे आस्था में मिल जाएंगे। तो जब हम 5000 रुपये यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 पंजे 10 लॉट यहाँ पे आ जाएंगे निफ्टी में, जब हमारे 10 लॉट आ जाएंगे तो प्रॉफिट भी हमारा 5 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। कई भाई पूछ रहे थे कि भाई क्या हमारा प्रॉफिट भी 5 गुना ज्यादा होगा क्योंकि प्रीमियम हमारा ज्यादा लगेगा, तो भाई अगर आप पूरी कैपिटल यूज करेंगे तो 5 गुना प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिन्हें जिनके पास में केवल 1000 रुपये हैं, जिनके पास में केवल 1500 रुपये हैं, जिनके पास में केवल 2000 रुपये हैं, ठीक है, तो वो भाई भी 2000 रुपये से आप यहाँ पे 10000 रुपये की ट्रेड्स को ले सकते हैं आस्था ट्रेड में, ठीक है। तो जिनके पास में आस्था ट्रेड का अकाउंट नहीं है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और आस्था में अकाउंट ओपन करा के अपने 5 गुने मार्जिन का लाभ उठाइए। मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, यहाँ पर AB कैपिटल जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं आपको कॉल साइड के पुट साइड के दोनों के दिखाऊंगा, वो अभी पुट साइड का दिखा दिया मैंने। ओके सर, देखिए दोनों 90 के ऊपर होंगे तो कॉल बाई करेंगे, यहाँ पर देखिए बायोकॉन आ गया, ठीक है, प्राइस यहाँ पर कितना है 8.89, मतलब 20 के नीचे है, ओपन इंटरेस्ट कितना है 90 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कब हमें
यहाँ पर ट्रेड मिल सकता था, कब से ये ट्रेंड डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर डालते हैं बायोकॉन, BIO बायोकॉन। ठीक है, अभी बायोकॉन में हमें कब देखना है ट्रेड, जब ये पहली बार 20 के नीचे प्राइस आया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को ये 23 पर था प्राइस, और ओपन इंटरेस्ट हमारा 91 था, तो ओपन इंटरेस्ट एकदम सही था, लेकिन हमें इंतजार था कि प्राइस 20 के नीचे कब आए। ठीक है, तो प्राइस आया 18 तारीख को 20 के नीचे, तो 18 तारीख को मार्केट गिरा होगा, कंपलसरी है। फिर उसके बाद 19 तारीख को जीरो रहा है, तो 19 को भी गिरा है, और 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26, ठीक है, 26 अक्टूबर तक मैं गारंटी ले सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट एकदम बरकरार रहा, थोड़ा सा 26 25 को ओपन इंटरेस्ट में हलचल आई है, लेकिन यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जीरो से उठाई नहीं है, मतलब कि केवल गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 18 19 20 23 25 और 26, यहाँ पर चलते हैं बायोकॉन का चार्ट, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर क्या ये सही डाटा देता है बायोकॉन, बायोकॉन लिमिटेड। ठीक है, अभी हमें ढूंढना है 20 अक्टूबर और 25 24 26। ठीक है, ये आ चुका है हमारा 20 अक्टूबर सर। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा थोड़ा समय दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए 20 अक्टूबर को, 20 नहीं है सर, 18 है। ठीक है, 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर के दिन 23 था हमारा डाटा, 17 के बाद गिरा है। ठीक है, 17 के दिन थोड़ा बहुत गिरा होगा, लेकिन 18 को गिरा है, 19 को गिरा है, 20 को गिरा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 18 कहाँ है। ठीक है, हाँ सही है भाई, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट डाटा है सर, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 17 तारीख को थोड़ा बहुत गिरा होगा, लेकिन 18 को तगड़ा गिरा है सर। ठीक है, 18 को गिरा है, फिर मैंने बोला 19 को गिरा है। ठीक है, दोनों आपको डाटा मिला सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर बोलता है सर, 18 को गिरा है, 19 को बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है, मतलब कि गिरा है, 20 को भी गिरा है, 23 को, 25 को, 26 को भी गिरा है, 27 को क्यों नहीं गिरा है, या फिर थोड़ा बहुत गिरा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 26 को जीरो जीरो है, और यहाँ पर एक आया, मतलब कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर की ओर गया है। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, और 27 और 30 को थोड़ा ऊपर गया, फिर 31 और 1 को गिरा है। ठीक है, ये मेरे शब्दों को याद रखिए, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, 27 और 30 और फिर 1 को गिरा है। यहाँ पर देखिए 20 को गिरा है, 23 को गिरा है, 25 को गिरा है, देखिए मार्केट पूरा गिरा है, 26 तक गिरा है, मैंने बोला था ना 26 तक गिरा है। फिर ठीक है, मैंने बोला ना 27 और 30 को कुछ हुआ होगा। ठीक है, ये 23 तारीख है, ये नहीं, 30 तारीख और 27 को कुछ हुआ होगा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, वो जीरो जीरो से एक की साइड में गया। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 31 और 1 नवंबर को, 31 को गिरा, उसके बाद 1 तारीख को गिरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोमेंटम को, यहाँ पर 3 तारीख को थोड़ा सा ऊपर की ओर गया है ना, अब देखिए, और 2 तारीख को भी थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे 2 तारीख को थोड़ा सा ऊपर गया, 3 को और थोड़ा सा ऊपर गया। अब मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं, यहाँ पर देखिए 1 के बाद 1 तारीख को क्या, जीरो जीरो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की ओर गया, थोड़ा सा और ऊपर की ओर गया 3 तारीख को। ये बहुत ही एक्यूरेट डाटा है सर जी, बहुत ही एक्यूरेट। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना करना चाहता हूँ मैं, ऐसे दिखाने के लिए मेरे पास सैकड़ों स्टॉक्स हैं, किसी भी स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं जब हमें हमारा डाटा मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाबर यहाँ पे आया है, तो डाबर को भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, डाबर गिरा है और कब गिरा है और कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे और ट्रेड कैसे ले सकते थे। ठीक है, DABUR, ठीक है, डाबर, डाबर यहाँ पे आया, और डाबर को हमें कब ट्रेड करना था। ठीक है, देखिए ये हमें यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, प्राइस वाइज परसेंटाइल में हमें केवल ये फाइंड आउट करता रहना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मान के चलते हैं, कुछ मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी में क्या दिख रहा है, प्राइस हमारा 20 के नीचे है। ठीक है, अगर कल के दिन, यहाँ पर हमें ट्रेड फाइंड आउट कब करनी है, अगर कल के दिन ओपन इंटरेस्ट 90 के ऊपर जाता है, ठीक है, और प्राइस 20 के नीचे ही रहता है, तो हमें क्या करना है, वहां पे हमें पुट बाई कर लेना, क्योंकि हमारी कंडीशन बन चुकी है, और जब तक ये 90 के ऊपर नहीं है हमें इंतजार करना है। तो वही कंडीशन मैं आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ डॉक्टर रेडी में, या यहाँ पे डाबर में, डाबर में हमें कब देखना है, जब ये 20 के ऊपर था। ठीक है, जब ये 20 के ऊपर था और ओपन इंटरेस्ट 90 आया था। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट 90 यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए पहली एक चीज समझिए, 4 अगस्त को ये प्राइस 20 के ऊपर था, 5 तारीख को प्राइस गिरा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं गिरा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट नहीं गिरा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, हो सकता है चार्ट में ये यहाँ पे गिरा हो, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं ट्रेड तब तक नहीं लूंगा जब तक मेरा ओपन इंटरेस्ट 90 पे नहीं पहुंचता है, 90 के ऊपर नहीं निकलता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 16 अक्टूबर को मेरा सिग्नल बना है, क्योंकि प्राइस तो गिरा हुआ है, ऑलरेडी जीरो हुआ पड़ा है, ओपन इंटरेस्ट एकदम से बढ़ा है, तो 16 तारीख को एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली होगी डाबर में। ठीक है, बाकी 16 तारीख से पहले भी गिरा होगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर देखिए 78, 80, 83, 88, 87। ठीक है, तो 10 अक्टूबर से ही बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट जा रहा है, तो 10 अक्टूबर से मार्केट गिरा भी होगा डाबर का, लेकिन 16 अक्टूबर को मेरा सिग्नल मिला, तो 16 अक्टूबर को मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर चलते हैं, ये आ गया डाबर, डाबर इंडिया लिमिटेड, 16 अक्टूबर। ठीक है, अब चलते हैं सर 16 अक्टूबर को, उससे पहले भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं आपको ना दिखाऊं, मैंने क्या बोला था 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर के बाद। ठीक है, 11 को गिरा, 12 को गिरा, ठीक है, 13 को भी गिरा, 14 को भी गिरा, 15 को, ठीक है, ये आ गया हमारा 16 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 13 तारीख को गिरा, ठीक है, 14 15 छुट्टी, और 16 अक्टूबर को भी गिरा। ठीक है, 16 अक्टूबर को धीरे धीरे थोड़ा ट्रेंड डाउन रहा है, मतलब कि थोड़ा बहुत गिरा है। ठीक है, 17 अक्टूबर को प्राइस ऊपर की ओर गया, तो क्या यहाँ पर देख सकते हैं,
16 अक्टूबर को जीरो है, 17 अक्टूबर को प्राइस थोड़ा सा ऊपर की ओर गया है, 18 अक्टूबर को प्राइस एकदम से गिरा है, ठीक है, 18 अक्टूबर को एकदम से गिरा है, जैसे 11 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर को गिरा होगा, 100% मैं कह सकता हूँ, ठीक है, 11 के बाद 12 को जैसे गिरा है, ऐसे 17 के बाद 18 को गिरा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 11 के बाद 12 को गिरा होगा, ये रहा, ठीक है, ये 11 है, 11 के बाद 12 को गिरा है नीचे की ओर, वैसे ही 17 के बाद 18 को गिरा है, देख सकते हैं 17 के बाद 18 को गिरा है, अच्छा खासा मार्केट गिरा है, गिरा क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 17 तारीख को है एक, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है कि प्राइस 20 के नीचे है, अगर घटता हुआ दिखेगा तो पुट बाई करेंगे, ठीक है, बढ़ता हुआ दिखेगा तो इग्नोर करेंगे, ठीक है, 16 तारीख को जीरो है प्राइस, तो जीरो से बढ़ा है 17 को, ठीक है, 17 को हुआ है 1.1, तो जीरो से तो बढ़ा ही है ना, तो यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे, लेकिन 1.1 भी गायब हो गया मतलब कि प्राइस पूरा गिरना चाहिए, तो 18 तारीख को गिर गया सर, ठीक है, वैसे ही 18 के बाद 19 20 21 23 पूरा पूरा ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है 26 अक्टूबर तक, तो क्या ये सही है वो चीज हम यहाँ पे चार्ट में ही देखेंगे, 19 तारीख को देख सकते हैं गैप डाउन हुआ है, ठीक है, 20 तारीख को भी थोड़ा सा डाउनफॉल नहीं है, ठीक है, 20 तारीख को थोड़ा ऊपर गया है, उसके बाद 25 और 26 पूरा डाउन रहा है, ठीक है, 25 और 26 को पूरा डाउन रहा है, तो यहाँ पर वही चीज आपको डिटेल में समझाया जाता है सर, दिखाया जाता है, देख सकते हैं 25 को यहाँ पर 97 से 96 आया, 26 को 95 आया, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है ना, ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ता हुआ दिखेगा या फिर सेम रहेगा तो वहां पे मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन देखिए हम लंबा होल्ड नहीं करेंगे, हम इसे ज्यादा से ज्यादा पोजिशनल एक दो दिन ही रखेंगे जब तक हमें अच्छा प्रॉफिट लग रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, काफी डीपली मैंने बनाने की कोशिश की है और इसको समझाने की कोशिश की है, बाकी एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट करके मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा, जिनमें जिनमें सिंबल वाइज आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा, उन ब्रेकआउट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, और जो भी लोग कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं भाई, देखिए 75 से ज्यादा टूल्स हैं, मैं तो आपको सिर्फ एक दो टूल्स को ही यहाँ पे बता रहा हूँ, सबको मैं बता नहीं सकता हूँ, और ऐसा भी कभी मत सोचिए कि हम इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई इतने सारे टूल्स के बारे में कौन बताएगा, तो दो तीन वेबिनार्स हर हफ्ते मिलते हैं आपको, और 1 घंटे के लिए अगर आप चाहें तो और ज्यादा वक्त आपको मिल सकता है इनको टेस्ट करने के लिए लाइव मार्केट में कि क्या ये आपको अच्छा प्रॉफिट देते हैं, मतलब कि आपकी एक्यूरेसी को बरकरार रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है, एक चीज मैं आपको प्राइस वाइज परसेंट वालों को बता दूं भाई, यहाँ पे मैं भूल गया था, ये 90 आपको रखना है, ठीक है, लुक बैक पीरियड जो है ये 90 रखना है आपको, ठीक है, तो बात करें इसके ऑफर्स की, तो भाई जो भी लोग मेरी लिंक से, ठीक है, केवल मेरी लिंक से आप इसमें सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं तो आपको, अगर आप मंथली रखते हैं तो मंथली में आपको 1000 का डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब कि 1000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप ईयरली प्लान को बाई करते हैं तो ईयरली प्लान में आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट मिलने वाला है, मतलब कि 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखी है, वहां से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसके जो भी फायदे हैं जितने भी टूल्स हैं सबका फायदा उठा सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से शायद आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत जय श्री राम।